सोसाइटी के अंदर नॉर्मल लोगों के साथ नहीं रख सकते होते इस वजह से उनके लिए ये कुरेक्शनल फैसिलिटीज़ के तौर पे प्रिजेंस को यूज़ किया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मर्डर है और उसने आ, किसी भी मोटिव की वजह से वो जुर्म किया है या मर्डर किया है तो पोटेंशली वो डेंजरस हो सकता है सोसाइटी के बाकी लोगों के लिए इस वजह से या इस लॉजिक की बुनियाद के ऊपर उसको इस कुरेक्शनल फैसिलिटी के अंदर रखा जाता है इसी तरह से बाकी क्रिमिनल्स होते हैं चाहे वो आ, थेफ्ट में इन्वॉल्व हों रॉबरी में इन्वॉल्व हों या रेप केसेस में इन्वॉल्व हों तो करेक्शनल फैसिलिटी के तौर पे आ, प्रिजन को देखा जाता है हाउएवर एवर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जैसे के अंदर जो करेक्शनल फैसिलिटी है इसको रिहेबिलिटेशन पर्पजेज़ के हवाले से शायद उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता जिस तरह के मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर किया जाता है So prisons सर्व आर रेंज ऑफ purposes इंक्लूडिंग पनिशमेंट rehabilitation एंड deterrence. तो so, एक मकसद तो ये होता है कि आपको आपके क्राइम के मुताबिक जो है वो सजा दी जाए दूसरा पर्पज़ इसका जो है वो रिहेबलीशन भी होता है कि जिस मोटिव के तहत या जो भी आपके मकासद हैं जो भी आपकी ओपीनियंस हैं उनको चेंज किया जाए उनको मोडिफाई किया जाए और आपको रीसोशलाइज किया जाए थ्रू रीेबिलिटेशन प्रोसेस और आप सोसाइटी के अंदर एक नॉर्मल ह्यूमन बींग की तरह दोबारा से फंक्शन कर सकें दैन इम्पॉर्टेंट परपज़ इज़ टू क्रिएट द डिटेरेंस के माशरे के अंदर बाकी लोगों के लिए जो है वो एक इट शुड बी अंड ऑफ थ्रेट फॉर पोटेंशियल क्रिमिनल्स के अगर आप इस तरह का कोई भी जुर्म करेंगे तो मुआरे के अंदर जो ला इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं या जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो आपको इसी तरह से अप्रीहेंड करेगा और इस आपके इस एक्शन के ऊपर आपको इस तरह की सजा मिल सकती है या इस तरह के सरकमस्ट्रांसिस का सामना करना पड़ सकता है द कंडीशंस इन प्रिजन कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ द प्रिजन एंड कैन ऑल्सो अफेक्ट देयर लाइवलीहुड ऑफ री इन्फोर्सिंग तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो प्रिजन सिस्टम है वो किस तरह का है क्या वो क्रैपनल फैसिलिटी के तौर पे यूज़ हो रहा है या ये दिस इज़ पनिशमेंट फॉर द सेक ऑफ़ पनिशमेंट और पोटेंशली ये भी हो सकता है कि जो क्राइम्स हैं उसकी फैसिलिटेशन और ना सिर्फ फैसिलिटेशन बल्कि पोटेंशली क्रिमिनल्स की जो सोशलाइजेशन है वो भी प्रिजन्स के अंदर मुमकिन हो सकती है और इसकी बड़ी वजह यह होती है कि चूँकि एक आ, क्रिमिनल का या एक पोटेंशियल क्रिमिनल का दूसरे क्रिमिनल के साथ जब वास्ता पड़ता है जब ताल्लुक बनता है इस तरह के कन्फाइंड एनवायरनमेंट के अंदर तो डेफ़िनेटली वो एक दूसरे से जो है वो इस तरह की नेगेटिव सोशलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और जब वो उस प्रिजन से बाहर आते हैं तो शायद ये मुमकिन है कि वो माशरे के लिए ज़्यादा खतरनाक साबित हो तो ये डिपेंड करता है कि आपके प्रिजन सिस्टम को जो है वो किस तरह से यूज़ किया जा रहा है अगर उसको रिहेबिलिटेशन और डिटेरेंस पर्पजेज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है तो फिर तो इसके पॉजिटिव असरा मुरतब हो सकते हैं लेकिन अगर वो क्रिमिनल्स की सोशलाइजेशन के पर्पज़िज़ के लिए यूज़ हो रही है तो, तो दैन इट वुड वेरी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस फॉर द पॉसिक्� सोसाइटी इन पाकिस्तान द प्रजेंट सिस्टम इज़ मैनेज बाय द प्रोविशियल गोमेंट्स एंड देर आर रेंज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रजेंस सच एज़ सेंट्रल जेल्स डिस्ट्रिक्ट जेल्स एंड वेमन जेल्स रिसेंटली हम जो जवेना जेल्स हैं या जवेना रिहेबलीटेन सेंटर्स हैं उनका भी पाकिस्तान के अंदर इनका uh, होता देख रहे हैं और उससे हमें यह अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान में जस्टिस सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता रिफॉर्म हो रहा है और प्रायोरिटाइज़ कर रहा है कि ह्यूमन राइट्स को फोकस किया जा सके जैसे कि बच्चों के राइट्स हैं तो जोवेनाइल डेलिपमेंट्स होते हैं उनको बड़ों की जेलों के अंदर ना रखा जाए बल्कि उनको उन रिहेबलीटेशन सेंटर्स के अंदर रखा जाए ताकि वो आ, रियल सेंस के अंदर रिहेबलीटेन प्रोसेस से गुज़र के तो माशरे के मुफीद शहरी बन सकें द प्रजेंट सिस्टम इन पाकिस्तान हैज़ बीन सब्जेक्ट टू क्रिटिसिजम एंड कॉन्ट्रोवर्सी पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू इशूज ऑफ ओवर क्राउडिंग पुअर कंडीशन एंड मिसट्रीटमेंट ऑफ प्रज तो ये सारे मसाइल जो हैं जैसे कि एक आ, जेल के किसी एक सेल के अंदर अगर पाँच लोगों की जगह है या दस लोगों की जगह है तो वहाँ पर उससे दो गुना या तीन गुना ज़्यादा लोग जो हैं वो डाल दिए जाते हैं इसी तरह से कंडीशंस जो हैं वो बहुत डिप्लोरेबल होती हैं बड़ी पुअर होती हैं इन अ सेंस के खाना अच्छा नहीं मिलता है जो हाइजेनिक नहीं होता है और वहाँ पे जो पुअर हेल्थ कंडीशंस हैं सफाई का अच्छा निज़ाम नहीं होता है तो जेल जो है वो क्रेक्शनल फैसिलिटी की बजाय ऐसे लगता है कि जैसे सिर्फ़ और सिर्फ सज़ा के तौर पे दी जाने वाली एक जगह है efforts are underway to improve the prison system in pakistan, including uh, through the introduction of new facilities and adoption of international standards for the treatment of prisoners. the recent past, ke and the chonke, uh, human rights organizations ki or kuch uh, social media ke chalne wali news ki prison system ki ke reformation ke upar ab zor diya or इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से भी जो ये प्रिजन सिस्टम है इसके अंदर रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं तो ऑन द होल फॉर अ सोशोलॉजिस्ट इट्स अ फूड फॉर थॉट दैट इफ़ यू रियली हैव एन ओवरव्यू एंड इनप इनडेप नॉलेज ऑफ द प्रिजन सिस्टम इन पाकिस्तान यू नीड टू गो एंड ऑब्जर्व दैट हाउ प्रस आर स्पेंडिंग देर लाइव इन दिज प्रस And what are the possible repercussions of this prison system on the betterment of society?